किसी ने मुझसे पूछा है कि कब्र में सिर्फ ये पूछा जाएगा, मन रब्बू का माँ दीनू का, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, अमाल का हिसाब नहीं होगा। फरिश्ते पूछेंगे तो इतना पूछेंगे और फिर उसके लिए जन्नत की खिड़की या दोजख का दरवाज़ा माज़ल्ला खुलने का फैसला हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कि इतना क्यों है, बाकी सारे सवाल जवाब कब्र में क्यों नहीं, तो वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि जब कहत पड़ गया ना बहुत सारे इलाकों में, तो हज़रत यूसुफ मिस्र के हुक्मरान थे, तो बाकी जगहों पे कहत था, आपने तो ख्वाब देखा और फिर कुछ गंदम आपने बचा ली, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे लोग गंदम लेने के लिए पहुंचने लगे, तो आपने रास्ते में कुछ चौकियां बना दी थी, पुलिस वाले खड़े कर दिए थे समझ लीजिए, तो उनसे कहा था कि जो आदमी गंदम लेने के लिए आया उससे पहले उसका नाम पता पूछो, बल्दियत पूछो और ये पूछो क्या लाया है, वो किस चीज़ के इवज़ गंदम लेने आया है, पैसे लाया है, कोई और चीज़ लाया है, कि पूछो। चौकियाँ मुकर्रर कर दी, इंतजार तो था ना कि मेरे भाई आएंगे, वो आएंगे हजरत याकूब के बेटे आएंगे, इंतज़ार तो भाइयों का था, घर से उन्होंने बड़ी ज्यादती की है पर उनको आना तो है, तो फरमाने लगे कि सारे लोग आए तो उनसे पूछना कि वो कहाँ से आए हैं, वो कौन हैं और क्या लाए हैं, ये भी पूछना, लेकिन फरमाया जब किनान के लोग आए ना तो बस इतना पूछ लेना वो कौन है, ये ना पूछना क्या लेके आए, भाई है ना तो उनकी पर्दा पोशी करनी, उनसे ना बस इतना पूछ लेना कि वो कौन है, वो अगर बताएं कि हम किनान से आए हैं तो बस इतना ही काफ़ी है, उनसे फिर अगला सवाल ना करना। तो हजरत शेख फरमाने लगे, रब फरमाते फरिश्तो तुम ना जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है ना, उसका पर्दा ना खोलना, तुम ना हिसाब किताब पूछना, बस इतना पूछ लेना मुझे और मेरे नबी को जानता है, अगर वो कहे जानता हूँ तो फिर आने देना, मैदान मख्शर में मैं खुद पूछ लूँगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत की चादर डाल के पूछेगा, लोगों से छुपा के पूछेगा, ये गुनाह किया था अल्लाह मैं भूल गया था, ये वाली गलती की थी अल्लाह मैं भूल गया था, ये भी तेरा ही गुनाह है अल्लाह मैं भूल गया था, पर मैं अल्लाह तबारक व तआला उससे एतराफ़ कराता जाएगा, वो जब एतराफ़ कर लेगा वो डरेगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा है। तो हुज़ूर फरमाते हैं, रब फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरी पर्दा पोशी की थी, जा आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो याद रखें कि सुबह क़यामत भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अपने बंदों पर फजल फरमाएगी, रहमत फरमाएगी, तो यहाँ भी उसके करम की उम्मीद रखें, वहाँ भी उसके फजल की उम्मीद रखें और आसानी की उम्मीद रखें, करम की उम्मीद रखें। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ख़ास रहमतों से मुतमत्ते फरमाए, अपना ख़ास फजल हमारे शामदेहाल फरमाए।